बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आप देख रहे हैं दी ITeducation.com यूट्यूब चैनल। आज हम DLD CS302 शॉर्ट लेक्चर जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उसका दूसरा लेक्चर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर में मुकम्मल नंबर सिस्टम और कोड्स जो हैं ये हम डिस्कस कर लेंगे। ये आपका लेक्चर नंबर तकरीबन 2 से ये स्टार्ट होते हैं और 4 तक जाते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, इसमें सारी कन्वर्जन होगी नंबर सिस्टम की और इसी तरह कोड्स कैसे बनते हैं और डिजिटल बाय नंबर डिजिटल सिस्टम के अंदर हम जो न्यूमेरिक्स को यूज़ करते हैं या बाइनरी को, डेसिमल को और हेक्सा को, इनकी हकीकत क्या है और ये एक्चुअली कैसे यूज़ हो रहे होते हैं, ये सारा कुछ जो है वो आज के शॉर्ट लेक्चर्स के अंदर होगा। ये 20 से 30 मिनट का लेक्चर होगा लेकिन इसके अंदर हम 3 लेक्चर्स को कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 4 के एंड तक हम सिलेबस जो है वो इसमें कवर करेंगे जी। आज हम बात करेंगे बेटा नंबर सिस्टम के ऊपर और कोड्स के ऊपर। ये कंप्यूटर ग्रेजुएट्स के लिए कोई नई चीज़ तो नहीं है, आपने यकीनी तौर पे अपने मैट्रिक से पहले की क्लासेस के अंदर ये चीज़ें सीखी होंगी। तो नंबर सिस्टम किस तरह से है, सबसे पहला जो नंबर सिस्टम है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है जो कि 0 से लेकर 9 तक आदाद पर मुश्तमिल है, जो हमारा रूटीन का नंबर सिस्टम है। ठीक है, इसके अंदर हम वैल्यूज़ को किस तरह से पुट अप करते हैं, बेसिकली ये पोजीशन नंबर सिस्टम होता है। 275 का मतलब होता है कि 2 की भी एक पोजीशन है, 7 की भी एक पोजीशन है और 5 की भी एक पोजीशन है। एक तो ये डिजिट है ना, 2, 7 और 5, और एक इनकी पोजीशन वैल्यू होती है। तो इनकी पोजीशन वैल्यू को हासिल करने का जो रूल है वो यही होता है कि 5 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ये हमने किया हुआ है, 5 मल्टीप्लाई 10, 7 मल्टीप्लाई 10, 2 मल्टीप्लाई 10, और जो आपकी राइट मोस्ट यानी इकाई का जो होता है उसे हम 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो जिस तरह आपको याद होगा ना, हम कहते थे कि ये 1 है, ये 10 है और ये 100 है। आपको याद होगा हम कहते थे इकाई है, दहाई है और ये 100 है, या इसको इंग्लिश मीडियम में आपने पढ़ा है यूनिट है, ये 10 है और ये 100 है। तो इसका मतलब क्या है, ये 2 है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 7 है तो इसको 10 से और ये 5 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, ये 70 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। जब इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 275 ये आ जाएगा। ये एक जनरल रूल है जो आप याद कर लें। किस को नंबर सिस्टम कोई भी होगा तो अगर हम उसकी वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं जी। नंबर सिस्टम के अंदर जाहिर है हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर सिस्टम भी आ जाता है। अगर हमारे पास वैल्यू 382.91 है तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तक तो हमें समझ आ गई कि हम 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ये लाइन कोई नई नहीं है, तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये लाइन बिल्कुल क्लियर, लेकिन बस यहाँ पे फ़र्क आएगा जब आप 2 के बाद 9 पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई इसने 10 से होना है लेकिन पावर -1 हो जाएगी, और आगे जो 1 होगा ये भी मल्टीप्लाई होगा और उसकी पावर -2 हो जाएगी, यानी 382 और उसके बाद ये जो 9 है इसकी मल्टीप्लाई होगा 10^-1, तो उसका मतलब है 9/10 हो जाएगा और 1/100 हो जाएगा, तो ये 0.09 और 0.001 बनेगा। तो इस तरह ये रूल आप याद रख लें कि आप अगर आपके पास कोई भी बेस सिस्टम होगा आप उसके डिजिट्स को उसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद उनको एड अप कर देंगे तो आपके पास वो नंबर हासिल हो जाएगा। दूसरा नंबर सिस्टम जो हमारे सिलेबस में शामिल है ये है केव मैन नंबर सिस्टम। इसके अंदर 0, 1, 2, 3 और टोटल 9 डिजिट हैं लेकिन हर डिजिट के लिए एक सिंबल जो है ना वो अलॉट किया गया है। ये पुराना सिस्टम था जो आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो प्री हिस्टोरिक डेज के अंदर यूज़ करते थे। ये सिंबल्स आपको याद करने चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर या क्विज टाइप क्वेश्चन के अंदर आपके पास आ सकते हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 20 तक की ये गिनती है, देखें जी ये हमारे पास 0 को रिप्रेजेंट करता है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये हमारे पास 4 है और इसी तरह 4 के बाद अब हमारे पास 5 आ गया है, 4 का जो है, और इसी तरह हमारे पास 6 आ गया है, ठीक है जी। 6 के बाद 7 है, 8 है, 9 है और इसी तरह 10, 11, 12, ये टोटल हमारे पास केवमैन नंबर्स हैं। इसमें कोई चीज़ याद करने वाली नहीं है, सिर्फ आपने इनके सिंबल्स को और ये पहले 20 करेक्टर्स को आपने याद रखना है। केवमैन जो है ना ये बेसिकली बेस 5 नंबर सिस्टम था। अगर आप देखें तो 0 से लेकर 4 तक जो अलामतें हैं ना वो चेंज हैं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। उसके बाद जब 5 की अलामत आती है तो आप देखें वहाँ पे आके उनको सम अप करके जो है ना वो वैल्यूज़ को हासिल कर लिया जाता है। तो ये बेस 5 तक
तो आप देखें सिंबल इसके यूनिक हैं, लेकिन 5 से आगे जो ऊपर वाले नंबर्स हैं उन्हीं को मिलाकर ही नंबर्स जो है ना वो आगे बना दिए जाते हैं, तो इसलिए इसे हम बेस 5 नंबर ही कहते हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर अगर आपको वैल्यू दी जाती है ग्रेटर देन 9 की, तो आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। केवमैन नंबर आपको ये दिया गया है, कैन बी रिटन एन एक्सप्रेशन फॉर्म बेस्ड ऑन द बेस वैल्यू 5। हम क्या करेंगे कि बेस पहली वैल्यू जो है वो 0 है 5 की, दूसरी 5 की 1 है, तीसरी 5 की 2 है, तो हमें चूंकि ये नंबर दिया गया है डेल्टा और अप एरो, तो डेल्टा मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 1 प्लस डेल्टा मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 0, और हमें पता है कि ये 5 के बराबर है, ये 1 के बराबर है, इनकी वैल्यू का भी हमें ऑलरेडी पता है कि ये किसके बराबर है और ये किसके बराबर है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपके पास आ सकता है, तो आपको 0 से लेकर 4 तक जो सिंबल्स हैं ये सिंबल याद होने चाहिए, और उन सिंबल्स की बुनियाद के ऊपर जो है आपसे कोई क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि जी आपको एक केव में नंबर दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये किसके बराबर है। जैसे ये जो डेल्टा है ये 1 के बराबर है और ये जो अप एरो है ये 4 के बराबर है, तो ये वाला जो नंबर लिखा हुआ है ये बेसिकली 9 बनता है, तो ये 9 के बराबर है। अच्छा, केवमैन नंबर की आपको समझ आ जानी चाहिए जी। केवमैन नंबर जो है ये बेस 5 का नंबर है, और बेस 5 जब हो जाएगा तो जाहिर है हम उसकी पोजीशन वैल्यू फाइंड करने के लिए उसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह हम 10 वाले को 10 से मल्टीप्लाई करते थे, तो डेफिनेटली इसे हम जो है वो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा जी एक और एग्जाम्पल करते हैं जी। एक और एग्जाम्पल ये है कि हमें नंबर दिया गया है डेल्टा है, और ये 4 सिम्बल्स हैं डेसिमल के अंदर, और इसे हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो सिंपली चूंकि ये बेस 5 का नंबर है हम इसके तमाम करेक्टर्स को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दिस वन मल्टीप्लाई बाय 5, दिस वन मल्टीप्लाई बाय 5, और ये चारों को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो राइट मोस्ट है वहां से हमने इसकी पावर दी 0, 1, 2 एंड 3, जो कि आम रूल है और एक नॉर्मल स्टूडेंट भी जो है उसे इस बात का पता होता है चूंकि उसने अपनी जो सेकेंडरी क्लासेस हैं उसमें पढ़ा होता है। तो अब 5 की वैल्यू क्या होगी कि ये मल्टीप्लाई होगा 125 से, क्योंकि 5 रेज टू द पावर 3 जो है वो 125, 25, 5 और 1, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब डेल्टा जो है ये 1 के बराबर है, ये हमारे पास जो सिंबल बना हुआ है ओहम का ये सिंबल 3 के बराबर है, जो अप एरो है ये 4 के बराबर है, और जो सिग्मा है ये 0 के बराबर है। ठीक है, इन सिंबल्स की जगह हमने वैल्यू को पुट अप किया तो हमारे पास ये 220 के बराबर बन गया। ठीक है, ये बात जहन में रख लें। इस तरह की कोई एग्जाम्पल आपको मिल सकती है। तो दो नंबर सिस्टम हमने पढ़ लिए, एक डेसिमल नंबर सिस्टम और दूसरा हमने पढ़ लिया है केवमैन सिस्टम जी। अब तीसरे नंबर सिस्टम पे आते हैं जी, जिसके ऊपर सारे का सारा डिजिटल सिस्टम जो है वो बेस करता है, तो वो है बाइनरी नंबर सिस्टम जी। बाइनरी नंबर सिस्टम जो है ये असल में डिजिटल सिस्टम है, जिसके ऊपर आपका कंप्यूटर और आपकी तमाम जो डिजिटल कैलकुलेशंस हैं वो बेस करती हैं। ठीक है, ये नंबर किस तरह से काम करता है हम इसको डिस्कस करते हैं जी। नंबर 1, डेसिमल में 0 होगा तो बाइनरी में 0 आ जाएगा, अगर डेसिमल में 1 होगा तो बाइनरी में 1 आ जाएगा, जब डेसिमल में 2 है तो बाइनरी में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 0 के बराबर होगा। चूंकि बाइनरी नंबर सिस्टम जो है इसकी बेस 2 होती है, तो बेस 2 से क्या मुराद है, जिस नंबर की जितनी बेस होती है उस के उतने ही डिजिट्स होते हैं। अगर बेस 2 है तो इसमें 2 डिजिट इस्तेमाल होंगे, तो वो 2 डिजिट कौन से बनेंगे, पहला 0 है दूसरा 1 है, तो इसके अलावा तीसरा डिजिट इसमें नहीं आएगा। अगर बेस 5 होगी तो उसमें 5 डिजिट इस्तेमाल होंगे। अगर आपके नंबर सिस्टम की बेस जो है वो 10 है तो उसमें 10 डिजिट्स इस्तेमाल होंगे। अगर बेस उसकी 8 है तो उसमें 8 डिजिट इस्तेमाल होंगे। जितनी बेस होती है किसी भी नंबर सिस्टम की उतने ही डिजिट्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो 2 जब आया तो 2 को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो ये 1 0 बन जाता है। इसी तरह 3 को करेंगे तो ये 1 1 बनेगा, 4 को करेंगे तो ये 1 0 0 बनेगा। ये सिंपल कन्वर्जन है जो आप डिवाइड रूल के मुताबिक कर सकते हैं। आप 2 को रखें अंदर और 2 पे डिवाइड कर दें तो सिंपली आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको ये याद नहीं है तो मैं ये आपको करके दिखा देता हूँ कि ये आपके पास 2 है और इस तरह करके आप इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 और 1 - 0 बच जाएगा, तो अब आप इसको रखेंगे तो ये 1 0 के बराबर होगा। ठीक है, ये 2 को मैंने देखा 2 पे बेस पे डिवाइड कर दिया तो 2 1 2 और 0 बचा, तो ये 1 0 जो है ना वो आपके पास ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आप इसको जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि जी मैं 5 1 0 1 कैसे बनेगा, तो ये भी हम कर सकते हैं जी। ये आपके पास 5 है, इसको आप इधर रखें और 2 पे डिवाइड कर लें। ठीक है, 2 1 2
टू टू ज़ा फोर, यहाँ पे टू आ जाएगा और वन बच जाएगा। उसके बाद फिर आप टू पे डिवाइड करें, टू वन ज़ा टू और आपके पास ज़ीरो बच जाएगा। अब आप देखें ये 101 बनेगा और ये 5 जो है ये 101 के बराबर ही है। तो इस तरह ये एक टेबल बना हुआ है जो 0 से लेकर 20 तक जो डेसिमल नंबर्स हैं उनको बाइनरी नंबर में आपको कन्वर्ट करके। अच्छा जी, ये देखें जो मैं मिसाल दे रहा था कि हम 19 को रखेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो इस तरह ये हमारे पास 10011 बनेगा। तो ये जनरल रूल्स हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ को क्लियर कर लें, कोई भी नंबर सिस्टम आपके पास मौजूद हो, जैसे इसके अंदर 2 है और उसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप उसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई करके और जो आंसर आएंगे उनको आपस में ऐड कर देंगे। ये जनरल रूल है। बेस 5 होगी तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 होगी तो 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 16 होगी तो हम 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर आपको एक डेसिमल नंबर दिया गया है, जैसे ये 19 है और इसको आपको कहा जाता है कि आप बेस 2 में बदल दें तो फिर हम 2 पे डिवाइड करेंगे, और अगर कहते हैं कि जी बेस 8 में बदल दें तो फिर हम इसको 8 पे डिवाइड करेंगे। ये जनरल रूल्स होंगे हमारे पास कन्वर्जन के, बाइनरी से या किसी भी और नंबर सिस्टम से डेसिमल में आने के और डेसिमल से किसी भी और नंबर सिस्टम में जाने के लिए। जी, अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शनल जो नंबर होगा उसको बाइनरी नंबर सिस्टम में हम कैसे डील करेंगे। हमारे पास नंबर है 10111.1011 और बेस इसकी 2 है, उसी तरह हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को मल्टीप्लाई, यानी पहले तो आप ये देखें कि सबको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सबको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 और ये पॉइंट के बाद वाला 1 आ गया, पॉइंट के बाद वाली 0 और पॉइंट के बाद वाला 1 आ गया। तो हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे पास यूनिट वाला डिजिट होता है ना, ये वाला, इसको हम जो है ना वो जो पावर असाइन करेंगे वो पावर हमारे पास 0 होगी, याद है ना, कि इसको हम 0 पावर असाइन करेंगे। तो ये हमारे पास है, ये हमने 0 दे दिया, ये हमने 2 को 1 दे दी, ये हमने 2 को 2 दे दी, और ये हमने 2 को 3 वैल्यू जो है ना वो दे दी। अब इससे आगे जो वैल्यू होगी तो हमें पता है कि 0 से नेक्स्ट जो वैल्यू है वो होती है -1, तो -1 हम इसे दे देंगे। -1 से अगला डिजिट जो है वो -2 है तो -2 इसे दे देंगे, और ये -3 हो जाएगा। और ये 2 रेज टू द पावर -1 होती क्या है, इसका मतलब होता है 1/2। 2 रेज टू द पावर -4 का मतलब होता है 1/4, और 2 रेज टू द पावर -3 का मतलब होता है 1/8। जिस तरह 2 रेज टू द पावर 3 जो है ये 8 के बराबर है, और 2 रेज टू द पावर -3 जो होगा ये 1/8 के बराबर होगा। इसके मुताबिक आप अपने कैलकुलेटर से इसको कुछ सॉल्व कर लें तो ये आपके पास 8 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपके पास ये वाला जो बाइनरी नंबर है, अगर हम इसे डेसीमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 11.625 के बराबर जो है ना वो आ जाएगा। तो इस तरह आप अपने फ्रैक्शनल नंबर को, अगर आपको फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर दिया गया है और कहा जाता है कि उसे आप डेसिमल में चेंज कर दें, तो उसी रूल के मुताबिक इन माइनस वाली वैल्यूज को आप जरा जेन में रखें, इन वैल्यूज की मदद से आप इसे चेंज कर सकते हैं। जी देखें जी, अब हमारे पास नंबर सिस्टम तो क्लियर है, अब यहाँ से हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। पेपर में सवाल सिंपल नहीं आता, पेपर में ना हो सकता है ये सवाल आ जाए कि सम ऑफ वेट मेथड के जरिए इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करें, ठीक है। अब सम ऑफ वेट वाला मेथड जो है ना, ये तो वही है जो अभी हम करके आए हैं, यानी इस मेथड का जो नाम है वो क्या है, सम ऑफ वेट है। ये जेन में रख लें बात, सम ऑफ वेट्स मेथड के जरिए हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख लिया, ठीक है। नेक्स्ट मेथड जो है उसका नाम है हमारे पास सम ऑफ नॉन जीरो टर्म्स। अगर पेपर में सवाल आता है और वो ये कहते हैं कि जी आप सम ऑफ वेट के साथ करें तो फिर आपने सम ऑफ वेट के साथ करना है, अगर वो कहते हैं कि नहीं जी सम ऑफ नॉन जीरो के साथ करें तो फिर आपने उसे सम ऑफ नॉन जीरो के साथ ही करना है। बेसिकली सम ऑफ नॉन जीरो जो है ये एक ना क्विकर मेथड है, इसके जरिए हम जल्दी से जो है ना वो इसे चेंज कर लेते हैं। कैसे करते हैं, ठीक है, इसको मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। जी जरा ध्यान से इसको देखना है जी आपने, ये हमारे पास नंबर था 1001112 और हमने इसको जब कन्वर्ट किया था तो ये 19 के बराबर आया था, याद है ना आपको, ठीक है। तो अब इसको करने का तरीका क्या है, इसको करने का ये तरीका है, जिस तरह डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास पहला जो होता है वो 1 होता है, दूसरे को हम 10th कहते हैं, और तीसरे को जो है वो हम 100 कहते हैं, और फोर्थ वैल्यू को जो है वो हम 1000 कहते हैं, ठीक है।
ये बात तो सबको याद होगी, मैं इसको उर्दू में बताता हूँ तो ज़रा क्लासिकल टच आ जाएगा। इकाई कहते थे, दहाई कहते थे, सैकड़ा कहते थे और हज़ार कहते थे, और मॉडर्न वे में हम इसे यूनिट, टेंथ, हंड्रेड एंड थाउजेंड वैल्यू कहते थे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो बाइनरी नंबर सिस्टम है ना, उसमें जो पहला है ना वो वन है, और जो दूसरा डिजिट है वो है हमारे पास टू, और जो तीसरा डिजिट है वो है हमारे पास फोर, और जो चौथा डिजिट है उसकी वैल्यू है एट, और पांचवें डिजिट की वैल्यू है 16, और छठे डिजिट की वैल्यू जो है वो 32 है। ये क्यों है और कैसे है? वैसे तो ये सिंपल रूल है, मतलब इसमें कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है, ये सिंपल रूल है। वहां पर भी रूल पता क्या था, 10 रेज टू द पावर 0, उसके बाद 10 रेज टू द पावर 1, उसके बाद 10 रेज टू द पावर 2, उसके बाद 10 रेज टू द पावर 3। जब आप इसको कन्वर्ट करें तो ये बनेगा 1, ये 10, ये 100 और ये 1000। तो इसी तरह जो जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसके अंदर भी जो पहला डिजिट है वो 2 रेज टू द पावर 0 है, 2 रेज टू द पावर 1 है, 2 रेज टू द पावर 2, 2 रेज टू द पावर 3, 2 रेज टू द पावर 4 एंड 2 रेज टू द पावर 5। अगर आपको ये पता चल जाए कि जी हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ठीक है, अब आपको एक नंबर दिया गया, ये वाले हमारे पास जो है ना, मैं इसको ज़रा क्लियर करके ना दोबारा बताता हूँ आपको। हमें पता चल गया जो पहला डिजिट है बाइनरी का वो 1 के बराबर है, दूसरा 4 के बराबर है, तीसरा सॉरी 2 के बराबर है, तीसरा 4, चौथा 8 और पांचवा जो है वो 16 के बराबर है। अब आपको एक नंबर दिया गया 10011, और आपसे पूछा जाता है जी कि इस ये डेसिमल में किसके बराबर है। ठीक है, तो सिंपली मैं जो करूंगा, मैं ये करूंगा कि इसके जो 1 वाले वैल्यूज हैं, ये हमारा है सम ऑफ नॉन जीरो। याद करो इस मेथड का नाम क्या है, वेट्स ऑफ नॉन जीरो मेथड। तो नॉन जीरो टर्म हमारे पास एक ये है, इसका वेट ले लूंगा, इसका वेट ले लूंगा और इसका वेट ले लूंगा, 16 जमा 2 जमा 1, तो आप देखें मेरे पास 19 बनेगा। तो मैं डायरेक्टली जो है वो बाइनरी नंबर को, अगर मुझे उनके वेट्स का पता चल जाए, ये वेट्स मैंने कैलकुलेट कर लिए, तो इन वेट्स के जरिए मैं वेट ऑफ नॉन जीरो मेथड के जरिए डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मेरे पास जो है वो 19 कैसे आया। समझ आ गई बात की जी? इसी तरह मैं डेसिमल पोर्शन को तो छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं इस पोर्शन की बात करता हूँ। इस पोर्शन में अगर मैं लिखूँ जी 1011, तो ये 1 है 1, ये मतलब इसका वेट 1 है, इसका 2 है, इसका 8 है, तो 8 2 10 और 1 11, तो आप देखें जी कि आपके पास ये 11 की वैल्यू आई और ये आपके पास 19 आया। तो ये इसे आप डायरेक्ट मेथड भी कह सकते हैं कि ये एक डायरेक्ट मेथड है बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने का। ठीक है, और आप इसे, इसका बाकायदा नाम जो है वो है सम ऑफ नॉन जीरो टर्म्स। जी अब नेक्स्ट हम देखते हैं जी कि हम डेसिमल से बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल नंबर को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखोगे कि सम ऑफ वेट्स का एक तरीका है और दूसरा तरीका हमारे पास क्या है। ठीक है, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो सम ऑफ वेट्स के हवाले से ही आएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। जो दूसरा तरीका है वो बिल्कुल आसान है, जो डिवीजन वाला मेथड है वो हम इससे पहले जो है ना वो कर चुके हैं जी। ठीक है, जो सम ऑफ वेट वाला मेथड है ये कैसे है इसको आप देखें जी जरा। ये बजाय मैं यहाँ से आपको पढ़ के सुनाऊँ या इसको समझाऊँ, मैं आपको डायरेक्ट एक एग्जाम्पल करवाता हूँ, उस एग्जाम्पल से जो है ना वो आपको समझ आ जाएगी जी। नंबर हमारे पास है जी, अब देखें आप जरा, नंबर हमारे पास है 392 4411, और इसको हम बाइनरी में तब्दील करना चाहते हैं। देखें जी 411 को यहाँ पे लिखें और इधर देखें कि इसके इससे नीचे हाईएस्ट वेट जो 2 का आता है वो कौन सा आता है, 2 की पावर कैलकुलेट करनी शुरू कर दें। ठीक है, 2 की पावर हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, तो आप देखोगे कि 2 रेज टू द पावर जो आती है ना हमारे पास वो ऐसे बनती है, यानी 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 4, उसके बाद 8, उसके बाद 16, इसी तरह 32, उसके बाद हमारे पास 64, 64 के बाद 128, 128 के बाद 256 आएगा, और 256 के बाद आएगी 512। ये 2 की ताकत मैं ले रहा हूँ। ठीक है जी, 2 रेज टू द पावर 0, 1 2 3 4, ये मेरे पास आ गया। आपने देखना है कि 411 से छोटी पावर जो है ना वो कौन सी है। ठीक है, अब 211 से छोटी पावर जो है ना वो, 411 से छोटी पावर है 256, और 256 जो है ये कितनी पावर है,
256 हमें पता होना चाहिए इतना सा, 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है ये, समझ आ रही है। तो अगर ये 2 6 4 1 1 2 पावर n फार्मूला है जी, ठीक है, ये 4 1 1 हो गया, ये 256 हो गया, और ये है 2 रेज टू द पावर 8। क्या है? 2 रेज टू द पावर 8 है। तो आप एक सिंगल वन लगा के साथ में आपने 8 जीरोज लगा देनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बराबर हो गया बाइनरी के 2 रेज टू द पावर 8। 128 होता है 2 रेज टू द पावर 7, और ये जो 16 होता है ये होता है 2 रेज टू द पावर, हमारे पास इसी तरह कैलकुलेट हम कर लेंगे, ये 2 रेज टू द पावर 7 है, ये 2 रेज टू द पावर 4 है, ये 2 रेज टू द पावर 3 है, और ये 2 रेज टू द पावर 1 है, और ये 2 रेज टू द पावर 0 है। 411 और इससे छोटा जो है वो 256 है, तो हमने लिख दिया 256 को बाइनरी में। कैसे लिखना है? अगर 2 रेज टू द पावर 8 है तो 1 लिख के साथ में 8 जीरो आप लगा दें। ओके हो गया जी। अब आप क्या करें, इस 411 में से 256 को माइनस कर दें, आपके पास ये 155 आ जाएगा, ठीक है। अब 155 को यहाँ लिख लें जी, 155 से छोटा नंबर जो बाइनरी के पेट में आता है वो 128 आता है, और 128 बराबर है 2 रेज टू द पावर 7 के, 2 रेज टू द पावर 7 किसके बराबर होगा, 1 के साथ हम 7 दफ़ा 0 लिख देंगे, ठीक है, इस तरह ये 1 के साथ हम 7 दफ़ा 0 लिख देंगे, ये बन जाएगा 127। अब इसको और इस नंबर को हम जमा कर देंगे तो हमारे पास ये वाला जवाब आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, 155 में से 128 को माइनस किया तो हमारे पास 27 आ गया। 27 से जो लेस वैल्यू बनती है वो 16 बनती है, 16 होती है 2 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 4 क्या बनेगा, 1 के साथ 4 जीरोस, ठीक है, ये 1 के साथ 4 जीरो बन गए। अब आपके पास ये वाला जो नंबर आया है उसको आपने, उसके अंदर आपने 1000 को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद आपके पास ये आंसर आ गया, 27 में से 16 को माइनस किया तो बचा 11, 11 को हमने यहाँ लिखा, 11 से जो कम की वैल्यू है वो है 8, ठीक है, 8 होती है 2 रेज टू द पावर 3, 2 रेज टू द पावर 3 का मतलब है 1 के साथ आपने, यानी 8 को जब आपने बाइनरी में चेंज किया तो आपके पास आ गया जी 100 जी। अब 100 को आपने इसके अंदर ऐड कर दिया तो ये आपके पास ये वाली वैल्यू बन गई। अब उसके बाद आपने 11 में से 8 को माइनस किया, 3 आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 में से हम 2 निकालेंगे तो 2 को जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 100 के बराबर होगा, और अब इस रकम के अंदर हम 100 को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। इसी तरह 1 बच गया और 1 इसमें भी 1 है, और ये हमारे पास इस तरह से हम इसको सम अप करते जाएंगे और इसे हम ऐड करते जाएंगे जी। जी मैं रिपीट कर देता हूँ जी कि 411 इससे कम वाली जो हमारे पास 256 आएगा, ये एक चार्ट आप बना लेंगे, 1 2 4 8 6 72 64 128 256 and 512 512, एक जो है ये बाइनरी में 1 के बराबर है, 2 जो है ये 10 के बराबर है, 4 जो है ये 100 के बराबर है, 8 जो है ये 1000 के बराबर है, इस तरह आप ये पूरा चार्ट बना लेंगे, 1 2 4 8 किसके बराबर है, ठीक है। उसके बाद आपने 411 है इससे कम 256 है, 256 की बाइनरी वैल्यू आप यहाँ पे लिख दें, 411 में से 256 को माइनस करें, 155 यहाँ पे आ गया। अब ले लें 155 को, 155 में से जो कम वैल्यू बनती है वो 128 बनती है, इस चार्ट में 128 है, 128 की जो वैल्यू होती है बाइनरी वो बराबर होती है 1000000 के। आप क्या करेंगे, इसको और इस नंबर को ऐड करके यहाँ पे आंसर लिख देंगे, ये आपका बाइनरी नंबर बन गया, और उसके बाद फिर 155 में से 128 को माइनस करेंगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है। फिर 27 में से आप 16 को माइनस कर देंगे, चूंकि 27 से लेस नंबर जो है वो यहाँ पे 16 बनता है, इसी तरह लेस को माइनस करते जाएंगे, ये जो वैल्यूज हैं जो 127 यानी 256 उसकी वैल्यू में ऐड कर दें 128 की वैल्यू, फिर ऐड कर दें 16 की वैल्यू, फिर ऐड कर दें 8, फिर 2 और फिर 1, तो ये आपके पास जो है ना वो आंसर आ जाएगा। ये कहलाता है हमारे पास डेसिमल से जब हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में विद सम ऑफ वेट्स मेथड, जो है ये कहलाता है जी। तो दूसरा मेथड जो है हमारे पास वो मशहूर ज़माना मेथड है जी, और वो है रिपीटेड डिवीजन बाय टू। अगर आप एक
डेसिमल नंबर को बाइनरी में तब्दील करना चाहते हैं तो आप उसे दो पे डिवाइड करते जाएंगे। जी दूसरे नंबर में हम इसे दो पे डिवाइड करेंगे। ये वही चीज़ है जो मैंने जो है ना वो करके दिखाई थी आपको कि हम क्या करेंगे। मैं अगर इसको वाइट बोर्ड की तरह में करके दिखाऊंगा तो हमने क्या किया, 392 अंदर रखा और उसे हमने जो है ना वो टू पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये वही कुछ लिखा हुआ है, टू पे डिवाइड करेंगे तो ये 196 आएगा, 196, और बचेगा हमारे पास जीरो। ये वाला तरीका है, समझ आ रही है, ये वाला तरीका है। तो दो पे डिवाइड किया 196, जीरो बच गया, फिर 196 को दो पे डिवाइड किया 98 बच गया जीरो, इसी तरह 49 जीरो, और इसी तरह हम डिवाइड नीचे से नीचे करते जाएंगे और आखिर पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी इसको हम लेफ्ट टू राइट असाइन कर लेंगे, 1 1 0 0 1, एक और जीरो है, 1 है और उसके बाद 0 0, तो ये हमारे पास जो है ना वो बाइनरी नंबर बन जाएगा। ये वो आम तरीका है जो हम डेसिमल से बाइनरी में तब्दील करते हैं, और ये सब के लिए है। ये जो दोनों रूल हमने पढ़े हैं ना, ये रूल्स जो हैं ये सब के लिए हैं। अगर हम डेसिमल नंबर को बाइनरी की बजाय 8 में करना चाहते हैं तो हम 8 पे डिवाइड कर देंगे, अगर हम 16 में करना चाहते हैं तो 16 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये वो वाले जनरल हमारे पास मेथड हैं। जी यहाँ तक समझ आ गई है जी। ठीक है, उसके बाद आ गया जी कि हम कन्वर्ट करेंगे एक डेसिमल फ्रैक्शन को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये वाला रूल देखें जी। 0.625 है जी, इसे हम बाइनरी में तब्दील करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम बाइनरी वाली वैल्यूज़ को ले लेंगे और उसके मुताबिक जो है ना वो इसे हम डील करते चले जाएंगे। ठीक है, ये मेथड इंशाल्लाह हम जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जी।